چک وچان سوندری کت پیٹ یوتا چا مت وچت می کون مرضی ہے چانی تو تی وانتا کیا چی چونا تو تی وانتا کیا چی چونا رب نے تیرا حسن دیا ہے रब ने तेरा हुस्न दिया है सारी गंगा तो वनते क्या चोन ना पानस कुन छक वुछान सौंदरी कत पेट यूत चाव मत वुछते में कौन मर्जी है चोनी तो वनते क्या चोनाव हते गोरी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल क्या बात है एक तू ही धनवान है गोरी बेहतरीन बाकी सब कंगाल थैंक यू सो मच आया हे गाइस वेलकम बैक अगेन ऑन माय चैनल दिस इज मी योर लकी बॉय और अगर आप कश्मीर आते हैं और हाउस बोट में नहीं रहे तो आपकी कश्मीर की ट्रिप पूरी कभी नहीं हो सकती ये मेरे साथ है उमेर भाई और मैं हूँ आज गोल्डन फ्लावर हाउस बोट पे मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से हाउस बोट कितनी खूबसूरत है से हमारी एंट्रेंस होती है शूज आपको यहीं उतारने हैं बाहर उसके बाद यहाँ से आप यहाँ डाइनिंग के लिए सीधा चलते हुए अपने रूम में ले चलता हूँ आपको ये है रूम बहुत ही खूबसूरत रूम है नीट एंड क्लीन मेरा वॉशरूम गाइस आप लोगों ने कश्मीर में शिकारा राइड तो बहुत बार देखी होगी और शायद कईयों ने आप में से करी भी होगी बट जिसमें लोकल लोग ट्रैवल करते हैं या कम्यूट करते हैं वो होती है ऐसी बोट तो उमेर भाई आज मुझे ले जा रहे हैं ऐसी बोट में चलते हैं आगे जाऊं मैं हाँ अरे भाई साहब अरे इसमें तो पानी भी अरे पलट तो नहीं जाएगी बैठ जाऊँ मैं अरे भाई साहब भयंकर अरे उमेर भाई आप भी पहुँच जाओगे ना वहाँ तक के नहीं डरा रहे हो मुझे डरा रहा मतलब एक उंगली नीचे पानी है बस और मुझे तैरना नहीं आता बिल्कुल भी श्रीनगर के लिए तो मैंने वो गर्म पहनी हुई थी तो आई जस्ट चेंज इट और अब उमेर भाई मुझे वापस छोड़ रहे हैं लेक के उस तरफ जहाँ पर हुसैन भाई कैब लेकर आए और वहां से हम जा रहे हैं मानसबल लेक तो गाइज लेक से मैं आ गया हूँ इस तरफ और ये आज हुसैन भाई कर रहे हैं कुछ तूफानी ये गाड़ी की जगह ले आए हैं बाइक क्या खास बात है आज हम बाइक पे कैसे आ गए ये बताइए इसके बारे में क्योंकि वीकेंड का लॉकडाउन लगा हुआ है इसलिए हम बाइक पे ट्राई करेंगे अरे मुझे लगा कुछ तूफानी करने का मन है वीकेंड लॉकडाउन ये सब बातों से तो मैं दूर आया मैं दिल्ली में बहुत सुना है वीकेंड लॉकडाउन कोविड यार घोड़ों की याद आ गई इस पे बैठते बैठते सीन कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पर लगा हुआ है लॉकडाउन वीकेंड लॉकडाउन है यहाँ पर और मानसबल लेक एक्सेस करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि काफ़ी रास्ते बंद हैं और काफ़ी टाइम हो गया तो भूख लग रही थी तो मैं पहुँच गया मामाज रेस्टोरेंट तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं सोचते पहले खाते खाना फिर देखते क्या करना खाना हो गया है और खाने के बाद हुसैन भाई ने ऑल्दो बहुत ट्राई किया कि मानसबल लेक हम कवर कर पाए बाइक पर भी आए
बट अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन की वजह से हम लोग नहीं जा पाए वहाँ पर। और आज जो हुसैन भाई मुझे लाए हैं गिरा पे, ये है विलेज के बीच में, मोस्टली टूरिस्ट यहाँ नहीं आते हैं और मेरे ख्याल से शायद बाइक पर ही आ सकते हैं यहाँ पर। हुसैन भाई बाइक पर ही आ सकते हैं, बाइक पर आ सकते हैं, तो एक बार अच्छी होगी कि हुसैन भाई बाइक पर आए थे तो हम लोग यहाँ पर भी आ पाए। यहाँ से आप देखो व्यू यहाँ से भी बहुत अच्छा है, तो देखा जाए तो यहाँ से आपको काफ़ी हद तक पूरा व्यू मिल रहा है। ओके तो गाइस शंकराचार्य भी नज़र आ रहा है, वहाँ पर शंकराचार्य है, यहाँ पर परी महल है, ये ताज होटल, पूरा निषाद गार्डन। सो बेसिकली यहाँ पर बैठ के आप ऑलमोस्ट जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ के देख पा रहे हैं। ये भी एक थोड़ी सी यूनिक लोकेशन है, अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के भी। अब ऑब्वियसली वीकेंड है, लॉकडाउन है और कहीं जा नहीं सकते, तो डल लेक पर ही टाइम स्पेंड करेंगे और कोशिश करूँगा कि रात का थोड़ा व्यू वहाँ का कैप्चर करूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फर्स्ट फिशिंग, अगर आप लोग ये डेली करते हो क्या, मतलब अपना लंच डिनर खुद ही निकालते हो, लंच में बेचते हो उसको? अरे यार मुझे लगा इसको मस्त फ्राई करके खाते होगे। कितने की बिक जाती है, कितने की बिक जाती है? 10 रुपए की। साइज के हिसाब से बेचते हो, वजन के हिसाब से? नहीं, अरे यार वजन के हिसाब से बेचते हैं। तो यार मुझे एक बात बताओ, मछली पकड़ रहे हो तुम, ये भी दो चार दोस्त बैठे हैं, 10 रुपए कितने में बटते हैं? एक मछली 10 की बेची, कितनी मछली पकड़ लेते हो? इतने लोग हैं यहाँ पे, बिजनेस में पार्टनरशिप तो बहुत सारी है तुम लोग की। वो देखो वो वहाँ ले गए यार, वो देखो तुम्हारे 50 रुपए जा रहे, वो देखो वो 50 रुपए ले गए, वो तो 50 की ले गए भाई, तुम्हारा कॉम्पिटिटर आ गया भाई, बिजनेस में कॉम्पिटिशन बहुत है यार, यार हिस्सेदारी भी ज्यादा है। क्यों हुसैन भाई देखो बड़ी मछली लेके यार, वो लेके कह रहे खत्म बात, चलो इसमें तो आटा ज्यादा लग रहा है यार। बहुत लगता भाई, 10 रुपए के हिसाब से बहुत मेहनत है भाई, 5 रुपए का तो आटा लग रहा है, और बचे 5 रुपए और 5 ही तुम्हें 1-1 रुपया मिलेगा सबको। आ गई, अरे पकड़ ली भाई, ये पकड़ा ताजा माल, ये ओहो भाई साहब, ठीक है यार भाई, 15 की है भाई, ये 15 वाली है, ये 15 वाली है भाई, और मैंने बोला था मुझसे पकड़वाना, अरे वापस भेज इसको, वापस भेज, मैं पकड़ू, वापस आ लो मुझे, अरे पकड़ ली भाई, पकड़ ली वो मछली मैंने पकड़ी, उसमें 10 रुपए में मुझे कितने मिलेंगे, 10 रुपए मुझे मिलेंगे, 5 रुपए, अरे दे दो यार, मिलेंगे ना, अरे शाबाश, ये लड़का दिलदार है। मैं कह रहता हूँ मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये वाली मछली दिल्ली में 50 की बिकेगी, यही दिल्ली, यहाँ से पकड़ो दिल्ली ले जाओ, पैसा ही पैसा होगा, मैं तो कह रहा हूँ बिजनेस बहुत अच्छा है, अरे बिजनेस को बढ़ाओ भाई, मुझे अपने बिजनेस में रख लो, इतनी बड़ी तो 500 की, हाँ मुझे बिजनेस पार्टनर बना लो, अपना बिजनेस ग्रो कर दूंगा मैं, तुम्हारा फिशिंग इंडस्ट्रीज में नाम हो जाएगा, आदिल अली फिशिंग इंडस्ट्रीज, अरे आटे की फैक्ट्री अलग रखेंगे जिसमें आटा 5 रुपए का लग रहा है, जो भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं होता। गाइस बाइक राइड के बाद अब हम आ गए हैं डल लेक पर, और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत व्यू है, अगर आप देखोगे हाउस बोट्स पे जो लाइट चल रही है उससे बहुत ही खूबसूरत व्यू हो गया है,
साथ ही साथ वेदर भी बहुत ही अमेजिंग है। और मेरे साथ है सेन भाई। सेन भाई बाइक जो आज आप लाए हैं दिल छू गई है, मजा आ गया। तो यार ये पुराना घटिया डालो, पूछे 15 वर्ष तक के करियर हम मारे गए यार। Guys, finally I'm back at the houseboat. उमेर भाई यहाँ बैठे, बहुत ही शांति है यहाँ पर। डल लेक और यहाँ में सिर्फ मेरे ख्याल से यही डिफरेंस है कि यहाँ पे बहुत शांति रहती है। So guys, let me show you how it is from the outside. Oh my God, look at this. Dark, pitch black. अगर यही आप डल लेक पे रुकेंगे तो वहाँ पे इस वक्त भी काफी ज्यादा मूवमेंट रहती है, काफी शोर रहता है। बट निकील लेक पर बिल्कुल सुकून, बिल्कुल शांति और बिल्कुल एक तरह से सन्नाटा है इस वक्त यहाँ पे। तो अगर आपको ऐसा स्टे पसंद है जहाँ पे बिल्कुल भी शोर ना हो, मूवमेंट ना हो और एकदम शांति हो, तो आई थिंक कि आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। Hey guys, good morning. So this is my last day in Kashmir. मैं आया था कश्मीर में 8 nights 9 days की ट्रिप के लिए और मेरी ये ट्रिप बहुत ही खूबसूरत रही। बहुत ही सारी मैंने लोकेशंस यहाँ पर एक्सप्लोर करी और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस और बहुत ही अच्छी मेमोरीज के साथ जा रहा हूँ। साथ ही साथ बहुत ही बुरे वाला टैन हुआ है मुझे, पूरी मेरी स्किन जो है एकदम टैन हो चुकी है। इनफैक्ट हाथ लगाने से भी अब जल रही है। तो मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन आपके लिए यही है, अगर आप कश्मीर आते हैं तो मेक श्योर आप अपनी स्किन का ख्याल रखें, अच्छी सी सनस्क्रीन जरूर साथ लाएं। और साथ ही साथ आई वुड लाइक टू रिकमेंड हुसैन भाई, इफ यू गाइज आर एवर प्लानिंग टू विजिट कश्मीर, मेक श्योर यू कॉन्टैक्ट हिम। ही इज द बेस्ट गाय टू शो यू अराउंड, ऑल्सो ही ऑफर्स द बेस्ट प्राइस एंड सर्विस। So I'll put down his number in the description. So if you want to contact him, you can contact him directly. मैं अभी हूँ फिलहाल Golden Flower Heritage Houseboat में। This is again one of the best houseboats in Kashmir. ये है Nigil Lake पर। और if you like peace and quiet place, this is the place for you. यहाँ पर बिल्कुल शांति है। Dal Lake से थोड़ा सा आगे पड़ता है Nigil Lake और यहाँ पर इतनी हलचल नहीं होती, इतनी movement नहीं है। So if you like a quiet place, you can definitely book a night here. I hope you like my videos on Kashmir. If you did, then please press the like button. And if you have a query or a concern, please drop a comment. And if you want to see such videos in future, please consider to subscribe my channel. Now I'll meet you in my next videos. Take care. Bye bye. So guys, Hussain bhai ne mujhe kar diya drop airport, aur ab main ja raha hu apne ghar Delhi ki taraf. Hussain bhai, thank you so much for everything. Most welcome. ऊपर वाले ने चाहा, लेकिन वापस आने के लिए ऊपर वाले ने चाहा तो फिर मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय। ऑल राइट हुसैन भाई, हैव अ नाइस जर्नी, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून ब्रो। खुदा के हवाले, थैंक यू।